Welcome to LRNR classes. Today in this video, we are going to learn the first poem of class 3 from CBSE course. And the name of the poem is Good Morning. And the name of the poem is Good Morning, which is written by Fanny R. Buchanan. So, ये poem में क्या होता है? छोटी सी लड़की होती है. जब भी सुबह होता है तो क्या होता है, सनराइज होता है, हर जगह रोशनी दिखती है. और ये पोयम में जो लड़की है सुबह उठते ही सभी को विश करने लगती है गुड मॉर्निंग. वो बोलती है गुड मॉर्निंग ट्रीज, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ब्राउनी बीज. मतलब वो सारे पक्षियों को, ट्रीज को, स्काई को, सन को, उसके आसपास जो भी ब्राउनी बीज है उनको, जो भी क्रीपिंग ग्रास है यानी जो भी बढ़ने वाला घास है उनको, सभी को गुड मॉर्निंग बोलती हैं. और ये गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका या विश करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है. हमें हमेशा ये आदत बना के रखना है कि जो भी हमें अपने आसपास दिखे हमें उनको विश करना चाहिए. ये लड़की को मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मॉर्निंग के समय लड़की घर से बाहर निकल सकती है और बाहर निकलने के बाद वो क्या कर सकती है, बाहर जाके एंजॉय कर सकती है. वो बर्ड्स के साथ, बीज के साथ, मतलब खेलना चाहती है. लड़की को ये पोयम में सुबह इसीलिए पसंद है क्योंकि वो बाहर जाके खेल सकती है और बाकी डिफरेंट जितने भी नेचर में एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके साथ वो एंजॉय कर सकती है. चलिए, लेट्स लर्न दिस शॉर्ट एंड स्वीट लिटिल पोयम Good morning in detail. Good morning, sky. Good morning, sun. Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play with you. Good morning, sky. तो सुबह उठते ही लड़की किसको पहले विश करती है? सुबह होते ही हमें कैसे पता होता है कि सुबह हो गया? जब ही भी सनराइज होता है तो सनरेज हर जगह एंटर करते हैं, वो अर्थ के ऊपर घिरते हैं. जो सनरेज होते हैं वो हमारे घरों के कमरों के अंदर भी एंटर करते हैं. जब सन रेज घरों के अंदर एंटर करते हैं तो उसके रोशनी के कारण हमें पता चल जाता है कि अभी सनराइज हो चुका है. तो वो पहले उठ के किसको विश करती है? गुड मॉर्निंग स्काई. यानी स्काई का मतलब आसमान को पहले वो लड़की क्या विश करती है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सन. उसके बाद तुरंत वो किसको विश करती है? सन यानी सूरज. गुड मॉर्निंग सन. गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन. सुबह होते ही क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं है व्हीकल्स का सुबह. तो क्या होता है, सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा एकदम ठंडी हवा बहती है. तो वो उसके बाद किसको गुड मॉर्निंग बोलती है? पहले लड़की स्काई को गुड मॉर्निंग बोलती है, फिर सन को गुड मॉर्निंग बोलती है. अभी जितने भी ठंडी ठंडी हवा, जितना भी ठंडी ठंडी हवा बह रही है, लड़की उसको क्या बोल रही है? गुड मॉर्निंग विंड्स, गुड मॉर्निंग बर्ड्स. अभी हमारे जो आसपास में बहुत सारे पक्षियाँ हैं, लड़की उन पक्षियों को क्या बोल रही है? गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज. हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ है, लड़की ट्रीज को भी विश कर रही है कि गुड मॉर्निंग ट्रीज. ट्रीज यानी पेड़. एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज. यहाँ पे क्रीपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग. क्रीपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग. घास कब बढ़ता है? चाहे फूल हो या घास हो, कोई पेड़ हो, उसका विकास तभी होता है जब सनलाइट ग्राउंड पे घिरता है क्योंकि सनलाइट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो
तो क्रीपिंग का मतलब यहाँ है ग्रोइंग ग्रास, ब्राउनी बीज का मतलब है, बीज का मतलब है मधुमक्खियाँ, ब्राउनी बीज का मतलब है ब्राउन रंग के मधुमक्खियाँ। तो लड़की किसको विश करती है गुड मॉर्निंग, शी विशेस गुड मॉर्निंग टू द ग्रोइंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। क्रीपिंग ग्रास का यानी होता है ग्रोइंग ग्रास और ब्राउनी बीज का मतलब होता है ब्राउन मधुमक्खियां। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज दे? तो कोई लड़की से पूछता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी है, आपको कैसे पता चला कि आप सुबह हो गया है, आपको कैसे पता लगा कि आप सुबह हो गया है? How did you find out it was day? Who told you night had gone away? फिर से लड़की से दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि सुबह हो गया है और तुम्हें ये भी कैसे पता चल गया कि जो रात है, नाइट मतलब रात चले गया है, गॉन अवे मतलब रात चले गया है। आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू। लड़की बोलती है कि सनराइज तो हो गया है, आई एम वाइड अवेक और मैं भी उठ चुकी हूँ, वाइड अवेक, मैं भी सूरज सनराइज के साथ साथ मैं भी उठ चुकी हूँ, मैं भी नींद से जाग चुकी हूँ, आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू और मैं एकदम रेडी हूँ। अप नाउ मतलब मैं एकदम रेडी हूँ, मैं क्या के लिए रेडी हूँ? आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मैं बाहर जाके खेलने के लिए रेडी हूँ, मैं बाहर जाके ट्रीज के साथ, ब्राउनी बीज के साथ, बर्ड्स के साथ और जो क्रीपिंग ग्रास है उनके साथ, जितने भी नेचर में एनिमल्स और बर्ड्स हैं, मैं बाहर जाके खेलूंगी और बाहर जाके एंजॉय करूंगी। आई एम अप नाउ टू, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू। तो दिस इज ऑल अबाउट द वंडरफुल शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोयम गुड मॉर्निंग विच टीचेस द चिल्ड्रेन टू विश एवरीबडी व्हेन दे मीट, वेदर इट्स अ ओल्ड पर्सन और इट्स हिज और हर फ्रेंड और वेदर दे आर देयर नेबर्स और वेदर दे आर समबडी हुम दे नो। सो दिस पोयम टीचेस चिल्ड्रेन टू विश anybody whom they come across or anybody with whom they meet. So let us learn some of the new words in this poem which we came across while learning this poem. Creeping, growing along the ground. Creeping, growing along the ground. Creeping का मतलब होता है ground level से कुछ बढ़ना, ग्राउंड लेवल के ऊपर से कुछ, ग्राउंड लेवल के अलोंग, ग्राउंड लेवल के साथ कुछ बढ़ना, ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड। अवेक, वेक फ्रॉम स्लीप, अवेक, वेक फ्रॉम स्लीप। अवेक का मतलब होता है जागना या सोके उठना, जागना या सोके उठना, वेक फ्रॉम स्लीप। गॉन अवे, went away, चले जाना, gone away मतलब went away, night has gone away मतलब रात हो चुकी है, रात जा चुका है, gone away मतलब चले जाना और went away। So that is a very short and interesting poem, good morning. Children, please learn this poem and if you have any doubts related to this poem, please write down your doubts in the comment section to be answered by me. All the answers of exercise questions of this particular poem is being provided by me in the LRNR application. All the question answers of this chapter is provided by me. Please go and check out the question answers of this chapter and please subscribe our channel, and if you like this video, please press the bell icon, and in the next class we will meet with any other interesting topic, and till then take care. Thank you.